नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सूचना के अधिकार का अपमान मामला ललितपुर के बार क्षेत्र गदियाना ग्राम पंचायत, जहां ग्रामीण द्वारा मांगी गई आरटीआई में रद्दी के कागजात निकले, जिसके चलते ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। आरटीआई की गई अवहेलना, जिलाधिकारी से शिकायत कर भ्रष्टाचार प्रति कठोर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं देखा जाए तो एक कार्टून सिर्फ रद्दी भर पहुंचाई गई, इससे जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी। गांव में विकास का कार्य कागजों में पूरा हुआ, जमीनी हकीकत पर हवा हवाई है। इन भ्रष्टाचारियों को प्रशासन का डर भी नहीं दिखाई दे रहा। आरटीआई जैसे कानून का भी उल्लंघन खुले तौर पर किया जा रहा है, प्रशासन मौन बना हुआ है। मामले की जानकारी संबंधित अधिकारी अवधेश कुमार डीपीआरओ को दी गई तो अधिकारी ने कठोर कार्रवाई कर दिया आश्वासन। सूचना अधिकार के नियम का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त। आपको बताते चले कि जब भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो जाएं तो भ्रष्टाचारी नहीं करते किसी की परवाह। ऐसा ही एक मामला प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी का सामने आया है। जब गांव में विकास नहीं होता दिखा तो ग्रामीणों द्वारा आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई, जिसके सापेक्ष सूचना अधिकार के नियमानुसार जितना खर्च जमा किया जाना चाहिए वो ग्रामीणों द्वारा जमा किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों ने सूचना के अधिकारों की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिससे प्रतीत होता है कि अधिकारियों को बिना खोप भ्रष्टाचार करने की आजादी है। जब संबंधित अधिकारी के संज्ञान में मामला आया तो कठोर कार्रवाई कर आश्वासन दिया गया। विभाग द्वारा जन सूचना मांगी जाती है किसी ग्रामीण द्वारा, तो क्या है उसका विभाग की गाइडलाइन जो सूचना देने की? पंचायती राज विभाग में हमारी ग्राम पंचायतों के जन सूचना अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं, उन्हीं के द्वारा सूचना जो जन सूचना अधिकार के तहत प्राप्त करना चाहते हैं उनसे सूचना मिलती है। अगर एक महीने के अंदर वो सूचना नहीं देते हैं तो वो व्यक्ति जो है प्रथम अपील कर सकता है। प्रथम अपील ये अधिकारी हमारे सहायक विकास अधिकारी पंचायत हैं। हमारे जनपद ललितपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कोई भी व्यक्ति सूचना लेना चाहता है तो वो उस सूचना के लिए जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी। मामला एक गदियाना का आया है सर, जहाँ पे जन सूचना मांगी गई थी तो कागजों के नाम पे ग्रामीण द्वारा आरोप है कि हमें फर्जी कागजात पकड़ाए गए हैं। ऐसे मामले पर क्या तो ऐसे मामले में क्या है कि अपील जो है प्रथम अपील करने सहायक विकास अधिकारी पंचायत के या मेरे यहाँ अपील करने, उनको सूचना जो है। करण सिंह ग्राम गदियाना के रहने वाले हैं और हमने प्रधान की जन सूचना निकलवाई थी, उसमें उन प्रधान ने जन सूचना को सिक्योरिटी साहब टालते रहे और लेकिन उनने नहीं भेजी। फिर दो तीन महीने हो गए, फिर इसके बाद हमने कहा कि तो सिक्योरिटी बोले पैसा भरो, पैसा भरा तो उन्हें रद्दी पकड़ा दी। और अगर हमसे कह दे ज़्यादा करोगे, प्रधान द्वारा धमकी मिली है कि यदि ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो बिलोरो चढ़ा दिया जाएगा। तो अब कहाँ जाएँ साहब, अब तो आप ही लोगों के पास आए, अब अगर बचा सको तो बच सका दीदी। राजू नाम है सर, गदियाना के निवासी हैं हम लोग, गदियाना के रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने लोगों ने शिकायत की थी एक नाली के बारे में, जिसके बारे में हमने डीएम साहब को दिया था, शुक्ला जी थे डीएम साहब। उसके बाद दो चार अधिकारी भी आए थे जाँच करने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने सूचना के अधिकार से जन सूचना मांगी 27/7/2020 को। उसके बाद एक महीने बाद सिक्योरिटी हैं जो हमारे विनीत दुबे, उनने 8,710 रुपये की मांग भी की, तो उसके बाद हमने 8,710 रुपये भर दिए। उसके बाद उनने कहा एक महीने का और टाइम लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने 1.5 महीना हो गया, इसके बाद उनने 20 तारीख को भेजी है, उसमें रद्दी भर दी उसमें सर। 2016-17 का थोड़ा बहुत काम दिया है उन लोगों ने, लेकिन पूरा रद्दी है सर उसका, डबल कॉपी है। आपने भी खुद देखा, हमने दिखाया भी आपको। तो स्टाम्प का क्या मतलब है सर, स्टाम्प भर दिए कई मेजरमेंट बुक।